यूपी चुनाव 2022 के पहले चरण में 10 फरवरी यानी कि आज राज्य के जाट प्रधान पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव के इस पहले चरण में 623 उम्मीदवार मैदान में बने हुए हैं, यानी कि उनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो रही है। गुरुवार को शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों की सीटों पर मतदान हो रहा है। ये सीटें बेहद अहम है क्योंकि जाट प्रधान है, यहाँ पर जो ब्राह्मण वोटर है वो भी काफी संख्या में है और जो दलित वोटर है वो भी काफी संख्या में बताए जाते हैं और मुस्लिम वोटर्स भी भारी संख्या में। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सभी पार्टियों की नजर पहले से ही बनी हुई है। तो 403 विधानसभा सीटें जिनमें से 58 पर आज मतदान हो रहा है, 11 जिले ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो यूपी विधानसभा के लिए 7 चरणों में 10 फरवरी से लेकर 14, 20, 23 और 27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को मतदान होना है। मतगणना पांचों चुनावी राज्यों में एक साथ 10 मार्च को होगी, जिस दिन का इंतजार हर एक पार्टी कर रही है। तो आपको जल्दी से वोटिंग प्रतिशत मैं बता देती हूं। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में 7.53% मतदान अब तक हो चुका है, ये 11 बजे तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। अलीगढ़ में 8.26%, बागपत में 8.93%। वहीं अगर मैं बुलंदशहर की बात करूं तो ये प्रतिशत काफी बड़ा है, सुबह 9 बजे तक 7.51% था, अब जाकर 10% ये हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, 8.33% यहां पर मतदान हो चुका है। गाजियाबाद में भी 7.37% हुआ है, हापुड़ में 8.20%, वहीं मथुरा में 8.30%। वहीं मेरठ की अगर हम बात करें जो कि संवेदनशील सीटें हैं, मेरठ में 8.44%, मुजफ्फरनगर में 7.50%, वहीं शामली में 7.70% मतदान अब तक हो चुका है। तो 6 बजे तक वोटिंग होनी है, भारी संख्या में सुबह से ही मतदाता निकलने हुए हैं और पोलिंग बूथ पर अपने अपने इलाकों में पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड सुबह पड़ रही थी लेकिन जरा भी ठंड का जो असर है वो दिखाई नहीं दिया था क्योंकि चुनावी गर्माहट बहुत ज्यादा थी, भारी संख्या में भीड़ पहुंची हुई है। तो ऐसे में मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जितेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं, बुलंदशहर से लोकेश मेरे साथ बने हुए हैं, वहां पर किस तरह की मतदान प्रक्रिया चल रही है, कितनी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले गाजियाबाद हम पहुंचेंगे क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, नोएडा से सटा हुआ है। गाजियाबाद में हालात कैसे हैं जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव जो है वो लगातार होता रहा है। जैसे कि आपने आंकड़ों की बात की, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें अब की बार सबसे अच्छी बात ये है कि इसको एक अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया ताकि लोग जो है अपने घरों से निकले और ज्यादातर जो है वोटिंग के लिए आए। वही यहाँ देखने को मिला, अगर सुबह की बात करें तो सुबह लगभग 7:30 बजे से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, लोग लगातार वोट डालने के लिए आ रहे थे। वही स्थिति कमोवेश अभी भी बनी हुई है और लगभग बड़े आसानी से लोग अपनी जो वोटिंग प्रक्रिया उसके लिए आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। जी ठीक है जितेंद्र, इसके अलावा अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो काफी संख्या में देखे जाते हैं, ऐसे में क्या आपने उनसे बातचीत की है, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा जो दाव खेला गया है वो महिलाओं पर खेला गया है, चाहे वो कोई हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, हर एक महिलाओं को सबसे पहले रख रहे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा से लेकर हमने लड़कियों की सुरक्षा की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक। जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा सीट की बात की जाए, वहाँ हमने महिलाओं से बात की तो उनका जो मुद्दा था, उनका मुद्दा ये था कि हम इस बार वोट कर रहे हैं कि हमारे इलाकों में जो सड़कें हैं वो खराब पड़ी हैं वो अच्छी बने। इसके अलावा अगर गाजियाबाद शहर की सीट की बात की जाए, वहाँ जो ब्राह्मण वोटर हैं उनका कहना है कि हमारा जो वोट डालने का मकसद है वो राष्ट्रवाद को लेकर है, भ्रष्टाचार को कम करने को लेकर है और इसके अलावा जो विकास चल रहा है वो इसी तेजी से चलता रहे, इन तमाम मुद्दों को लेकर है और लगातार जो इस तरह की चीजें निकलने सामने आ रही है, जिन भी से भी हमारी बात हो रही है, उनका सीधा सीधा मकसद यही है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से विकास अब तक हुआ है वो आगे की तरह लगातार चलता रहे। हर एक पोलिंग बूथ पर महिलाओं को लेकर बहुत उनके सम्मान को लेकर एक पिंक बूथ बनाए गए हैं, इसके अलावा एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है कि आप वोट डाल रहे हैं आप सेल्फी लीजिए और इसे सोशल मीडिया पर डालिए और ये दिखाइए कि आपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया है, इसका कितना असर देखने के लिए मिल रहा है?
जी देखिए, इसका असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है और अभी भी मैं उसी पिंक बूथ पर मौजूद हूँ और यहाँ से आप तस्वीरें देखेंगे तो देखेंगे कि जो तस्वीरें हैं यहाँ से कोई रुक नहीं रहे हैं, लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पहुंच रही है और जो वोटिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो पिंक बूथ बनाया गया है ये रिहायशी इलाके में बनाया गया है। आमतौर पर देखा जाता है रिहायशी जो वोटर है वो ज्यादातर वोट नहीं करते हैं, वो इसको वीकेंड के तौर पर जो है इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार तस्वीरें अलग हुई हैं क्योंकि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने तस्वीरों को बदलने की कोशिश की गई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेल्फी पॉइंट यहाँ बनाया गया है, बल्कि लोग जो सेल्फी है वो लगातार ले रहे हैं और तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर लगातार डाल रहे हैं, सोशल साइट पर लगातार डाल रहे हैं और उसका अच्छा खासा असर देखने को ये मिल रहा है कि जब ये सेल्फी पॉइंट जो है जब लोग देखते हैं तो कम से कम इसी को देखते हुए वोट डालने आ रहे हैं। जी देखिए जितेंद्र, दो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ इस पोलिंग बूथ पर। एक तरफ तो पिंक बूथ जो है वो बनाया गया है महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, ताकि महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है, महिलाओं को आकर्षित भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो महिला सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि नारी शक्ति को कितना ज्यादा यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस विधानसभा में अगर हम बात करें तो क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं? आप सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उतनी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है क्योंकि हो सकता है कि कोरोना की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों या फिर सोच रहे हों कि आराम से दोपहर के समय जाएंगे, थोड़ी भीड़ कम मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं अभी की बात करूं, इस वक्त मैं गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट पर हूं और यहां अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि अभी से जो है लाइन लगी हुई है और लगातार जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं वोट डालने के लिए आ रहे हैं, चाहे उसमें बच्चे हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और अपने जो वोट हैं वो वोट के लिए लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए रुझानों को लेकर तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादनगर के जो मुद्दे हैं, मुरादनगर के मुद्दे ये है कि मुरादनगर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें शहरीकरण और देहात ये दोनों इलाके बराबर बराबर सीमाओं पर आते हैं। जहां एक तरफ शहरीकरण को लेकर अच्छी सड़कें हैं तो वहीं गांव में भी बहुत सारी ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग आज भी दो से चार होते हैं, तो उन चीजों के लिए। इसके अलावा खेती की अगर बात की जाए तो खेती के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो किसान है वो लगातार वोट कर रहे हैं। चलिए ठीक है जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, गाजियाबाद के हालात कैसे हैं ये हम जानने की कोशिश आगे भी करेंगे। मेरठ का मैं रुख करूंगी, मुनव्वर मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। मेरठ एक ऐसा जिला या ऐसी सीट हम कहें कि जहां पर जो संवेदनशील है, सुरक्षा व्यवस्था और इलाकों से यहां पर थोड़ी ज्यादा होती है, इस बार किस तरह का माहौल मेरठ में देखने के लिए मिल रहा है मुनव्वर? देखिए मेरठ की अगर मैं बात करूं तो मेरठ में 80 प्रत्याशी मैदान में है, 7 विधानसभा सीटें हैं और मेरठ काफी संवेदनशील श्रेणी में आता है। यहाँ पर लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो घूम रहे हैं, खासतौर से यहाँ पर आईजी बैठते हैं, कमिश्नर मंडल मेरठ बैठते हैं और यहाँ एडीजी मेरठ जोन भी बैठते हैं, मेरठ जोन भी बैठते हैं। तो कह सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का गढ़ है, लखनऊ है और यहाँ पर मतदाताओं की जो उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। सुबह से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, ठंड का भी लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि मेरठ की अगर मैं बात करूं तो मेरठ की विधानसभा सीट इस वक्त हॉट है और इस सीट पर लगातार भाजपा और सपा के प्रत्याशी के जो समर्थक हैं उनके बीच में झड़प की जो घटनाएं सामने आ रही है, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने लाठियां पटकाकर बिल्कुल मनावर, और सुबह ये खबर भी आई थी कि मेरठ में कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम मशीन जो है वो खराब हुई है। देखिए सुबह देखा गया था कि 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ तो यहाँ पर कई मशीनें थी, सिवाल खास में रही, मेरठ में रही, शास्त्री नगर में रही, जो मशीनें थी खराब हो गई। हालांकि जो शास्त्री नगर की मशीन थी उसको तुरंत सही किया गया, लेकिन जो जानी खुर्द में मशीन थी वो काफी 9 बज गए थे, लेकिन उस दौर तक उस मशीन को रिप्लेस किया गया, बदला गया, हालांकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया। खासतौर से इस बार देखा जा रहा है कि जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनके अंदर मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंध किया गया है, कोविड-19 की गाइडलाइन का यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। एक पूरा दस्ता बिठाया गया है कि जो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन ना होने दे उसको देखा जा रहा है। और खासतौर से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार निगाह बनाए हुए है। अगर मैं यहाँ 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की बात करूं तो 80 प्रत्याशी हैं, लेकिन खासतौर से 7 सीटों पर भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशियों की सीधी टक्कर है। मेरठ की 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनमें गठबंधन का जो जोर है और बाकी
तीन सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जिनको भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। हालांकि यहां पर कांटे की टक्कर है गठबंधन और भाजपा के बीच में, हालांकि कांग्रेस और अन्य दल जो है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मनावर, ये बताइए कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान जो है मेरठ में हो चुका है। इसके अलावा देखिए मैं लगातार पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी कर जनता के नाम ये कहा है कि अगर मतदान करना है तो ठीक से करिएगा, देख के करिएगा, वरना यहाँ पर जम्मू कश्मीर बनेगा, यूपी जो है केरल बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा। इसका असर मतदाताओं में कितना दिखाई दे रहा है? देखिए ये पोलराइजेशन करने की ही तो बात हो रही थी। आप कर्नाटक ले लीजिए, कर्नाटक में सब करने की कोशिश की गई, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं और खासतौर से देखा ये जा रहा है। खासतौर से मैं बता दूं, मेरठ के सिवाल खास विधानसभा सीट में 1,15,000 मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन उन लोगों का आरोप है केवल 90,000 लोगों की वोट ही आई है। ऐसी कई सीटों पर देखने को मिला है। शहर सीट की अगर बात कर लूं, मुझे कई ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं हमारी वोटें नहीं आई हैं, बड़ी तादाद में वोटें काट ली गई हैं, तो ऐसे में ये भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा पोलराइजेशन की बात की जा रही थी, नेता अपने अपने माध्यमों से कुछ ना कुछ कहा जा सकता है कि अभी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है, क्या कुछ बदलाव होगा? अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि टक्कर तो दिखाई दे रही है कि सपा और बीजेपी में है, लेकिन बसपा किस तरह से अपने वोटरों को लुभा ले और कांग्रेस किस तरह से लड़कियों लड़ सकतियों के साथ आगे बढ़ जाए कहना मुश्किल। देखिए मैं अगर भाजपा की बात करूं तो भाजपा पहले से ही 80-20 की बात कर रही थी और वही कोशिश की जा रही थी। हालांकि गठबंधन की और भाजपा की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कई सीटों पर यहाँ पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। खासतौर से हसनापुर की सीट काफी चर्चित रही, यहाँ पर एक एक्टर है अर्चना गौतम, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। मैं आपको बता दूं अर्चना गौतम मेरी क्लासमेट रही है, मेरे साथ रही है, लेकिन इस बार उनके आने से काफी सीट को हॉट माना जा रहा है। हसनापुर सीट की एक मैं इतिहास भी बता दूं, जो यहां से जीतता है उसकी सरकार सत्ता में आती है। लेकिन उनको तो बॉयकॉट करने की मांग भी बहुत तेजी के साथ की गई थी। चलिए ठीक है मुनव्वर, इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत देर से यहाँ पर संजीव भी मेरे साथ बने हुए मुजफ्फरनगर से। संजीव, मुजफ्फरनगर भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से संवेदनशील है, यहाँ पर क्या कोई झड़प की खबर सामने आ रही है? कितने प्रतिशत वोट हो चुका है मुजफ्फरनगर में? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ये बताया जाता है। संजीव आवाज आ रही है मेरी? संजीव आप अनम्यूट करिए। अब आ रही है क्या मेरी आवाज संजीव? अब आइए। ठीक है संजीव, ये बताइए मुजफ्फरनगर संवेदनशील पूरा जिला, मुजफ्फरनगर में किस तरह के हालात सुबह से देखने के लिए मिल रहे हैं? कितने प्रतिशत यहाँ पर वोट हो चुका है? मतदाता कितने जागरूक है? और इस हिसाब से बताइए कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स काफी संख्या में हैं, तो क्या वो निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? जी मैं आपको बताने जाऊंगा, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर युवाओं का खासा वोट देखने को मिल रहा है। युवा ज्यादातर वोट डाल रहे हैं। और सही बात करें अगर मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज भी लगातार वोट कर रहा है, जबकि सुबह से ही कोहरा पड़ा हुआ है, काफी सर्दी भी है, मगर सर्दी को ना देखते हुए उसके बाद भी सभी समाज के लोग वोट कर रहे हैं, मगर मुस्लिम लोगों पे ज्यादा वोटिंग करने का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और युवाओं में। युवा उत्साहित है, महिला कितनी उत्साहित है? क्योंकि इस बार तो पूरा चुनाव जो है वो महिलाओं के ऊपर ही देखा जा रहा है कि चल रहा है। जी मैं बताना चाहूंगा, ज्यादातर से युवा जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं, जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं, वही ज्यादातर वोट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं, उनका ये भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जिस प्रत्याशी को वो चुनना चाह रहे हैं उनके लिए रोजगार मुहैया कराएं, और जो उनकी समस्याएं हैं महिला सुरक्षा को लेकर, उसको जो उनका कर सकता है, जिसके महिलाओं के बारे में सशक्तिकरण को कर सकता है, उस तरह का प्रत्याशी जनप्रतिनिधि ऐसी सरकार वो चाहते हैं। संजीव कितने प्रतिशत वोट अब तक हो चुका है मुजफ्फरनगर में? जी मतलब सुबह से लेकर और 9 बजे तक का अब तक के 8.03% मतदान हो चुका है। ठीक है मुनव्वर, ये बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक दिन पहले सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, और एक ही चीज सभी के मैनिफेस्टो में हम देख रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, हम रोजगार देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, ये देंगे वो देंगे, ये सब चल रहा है।
लेकिन एक दिन दो दिन पहले ही एक बुर्के पर जो विवाद है, जो हिजाब पे विवाद है, वो शुरू हो गया है, क्योंकि मेरठ में मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि छात्र, जो मुस्लिम छात्र हैं, वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर होंगे, छात्राएं भी होंगी, क्या उसका असर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, ये सोच के समझिए, एक रणनीति है। एक महीना पहले उस कॉलेज में जहाँ ये पूरा बवाल चल रहा है, नोटिफिकेशन जारी किया गया था हिजाब को लेकर के, लेकिन चुनाव से ठीक दो दिन पहले हिजाब का जिन बाहर निकलता है और पूरे प्रदेश में हल्ला मचता है। कर्नाटक में बवाल हुआ है, उत्तर प्रदेश में असर पड़ रहा है, जाहिर तौर पर पोलराइजेशन की कहीं ना कहीं बात है। और मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो पूर्व में देखा गया, सभी ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए, सत्ता में भाजपा ही, और लेकिन मैनिफेस्टो में कैसी चीजें रह गई जो पूरी नहीं हो पाई, विपक्ष आरोप लगाने लगा। लेकिन अब जिस तरीके से किसानों के आंदोलन हुए, तो खासतौर से किसानों को मुख्य अपना पॉइंट बनाते हुए सभी ने उनके लिए कुछ ना कुछ करने की बात कही है, चाहे गन्ना भुगतान की बात हो या फिर बिजली की बात हो। भाजपा कह रही है कि फ्री बिजली देंगे, ट्यूबवेल फ्री चलेंगे। सपा कह रही है कि हम अर्बन में और सिटी में दोनों जगह, देहात में अर्बन में दोनों जगह ही 30 यूनिट फ्री बिजली देंगे और किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और किसानों को कहीं ना कहीं उन्होंने लुभाने की कोशिश की है। वो 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त देने की बात भी यहां कही गई थी, मुनव्वर, क्या इसका असर दिखाई दे रहा है? देखिए, एक डीजल पेट्रोल, एक लीटर पेट्रोल देने की बात की गई थी, लेकिन उधर भाजपा ने इसका, सपा ने कहा था कि साल में 2 सिलेंडर देंगे, लेकिन भाजपा ने कहा है कि महीने में 2 सिलेंडर देंगे। तो इस तरीके से है, लेकिन वोटरों में काफी उत्साह है, वोटर सब चीजों को नकार रहा है और सीधे मत अपना प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगा है। पूरे में 11 सीटों की अगर बात करूं तो यहाँ पर मत प्रतिशत की बात कर लेता हूँ, आगरा में 20.42% हो चुका है, अलीगढ़ में 17.91% हो चुका है, बागपत में 22.77, बुलंदशहर 21.62 और गौतम बुद्ध नगर में 18.43, गाजियाबाद में 17.26, हापुड़ में 22.8, मथुरा 20.39, मेरठ 18.92, मुजफ्फरनगर। यानी मुनव्वर, ये कहा जा सकता है कि 12 बजने वाले हैं, एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत जो है अब हो चुका है, मतदान अच्छे खासे प्रतिशत में हो चुका है। उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक या 5 बजे तक अच्छा खासा परसेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, मैं आपका रुख करूंगी, बहुत देर से जितेंद्र लगातार बने हुए मेरे साथ गाजियाबाद से। जितेंद्र, अगर हम बात करें तो गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है और किसान आंदोलन वहां पर बखूबी हुआ है 1.5 साल तक, और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, जिन 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यहाँ पर जो जाट हैं वो बहुत संख्या में हैं, जो किसान हैं वो बहुत संख्या में हैं, इसका असर कितना? जी बिल्कुल, देखिए, गाजियाबाद की 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो किसान आंदोलन के चलते उनसे सम्मिलित हुई हैं, जैसे कि लोनी की सीट है, इसके बाद मुरादनगर विधानसभा की सीट है, और इसके अलावा अगर बात की जाए मोदीनगर विधानसभा की सीट है। यहाँ पर जो है, जो मोदीनगर विधानसभा की सीट है, वहाँ कहा जा रहा है कि जो सपा और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से जीत जाएंगे, आसानी से जीतेंगे। इसके अलावा लोनी की अगर बात करें तो लोनी में नंदकिशोर गुज्जर, जो कि विवादित बयानों के चलते हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उनकी टक्कर सीधा जो है मदन भैया से है, तो वहाँ मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मुरादनगर की, तो मुरादनगर में जैसे कि पहले भी बताया कि आधे शहरी लोग हैं तो आधे देहात से लोग ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें वहाँ जो है थोड़ा मुकाबला देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जो सपा और RLD के जो प्रत्याशी हैं वो मुन्नी, सुरेंद्र कुमार मुन्नी, वो जो है अजीत पाल त्यागी को टक्कर दे सकेंगे। इसके अलावा अगर साहिबाबाद सीट की बात करें या गाजियाबाद सीट की बात करें, तो गाजियाबाद शहर की जो सीट है वो लगभग लग रहा है कि अतुल गर्ग, जो कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री है, वो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। और इसके अलावा जो आखिरी सीट बचती है साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की, वो ऐसी एक ऐसी सीट है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं वो उसमें हैं, लगभग 10.5 लाख के आसपास के वोटर हैं, तो उसकी सीट को लेकर काफी जो मुकाबला है दिलचस्प हो गया है। जी ठीक है जितेंद्र, संजीव का मैं रुख करूंगी मुजफ्फरनगर से। संजीव, मुजफ्फरनगर में किसान क्या कह रहा है? आज कुछ तो तस्वीर साफ हो रही होगी, बातचीत की होगी, बहुत सारे किसान आ रहे होंगे वोट डालने के लिए। जी बताने, किसान तो काफी लोग आ रहे हैं, मगर किसानों का ज्यादातर रुझान गठबंधन की ओर है, क्योंकि ज्यादातर किसान RLD को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसानों की बात की, बाकी दूसरा गाजीपुर वोटर की अगर बात करें, तो किसानों का यही कहना है कि ये जो उन्होंने उनका कृषि कानून बिल वापस लिया है, ये केवल एक चुनावी स्टंट है, और सभी किसान जो है ज्यादातर RLD यानी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में EVM ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ी की, कोई खराबी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई? मैं बताना चाहूंगा,
मुजफ्फरनगर में एक इस्लामिया इंटर कॉलेज है जहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हुई थी। 2 घंटे तक ईवीएम मशीन बंद रही, उसके बाद 2 घंटे मतदान रुका रहा। 2 घंटे मतदान रुकने के बाद में अधिकारी वहाँ पर पहुंचे, जिसके बाद ईवीएम मशीन को चालू किया। साथ ही यहाँ पर मेरा विधानसभा क्षेत्र में भोकर एडी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ भी एक ईवीएम मशीन खराब हुई थी भोकर एडी में। उडुपी के जाप का सर मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रहा है आज के मतदान में। आखिरी सवाल संजीव, उडुपी के हिजाब का असर क्या यूपी के पहले चरण के मतदान में आज दिखाई दे रहा है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है? जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर हिजाब की अगर बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी मुस्लिम एरिया है, जो जहां पर मुस्लिम एरिया में तो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब लगाकर वोट डालने के लिए पहुंच रही है, और उनका साफ साफ ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे और बदलाव उनका कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं। ठीक है मुनव्वर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आप अपनी बात रखिए क्योंकि फिर समय की थोड़ी कमी है। देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा था कि आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे, यहाँ से एक मंत्री आते हैं संजीव बालियान, किसानों के नेता है जी, और इनका एक वीडियो वायरल हुआ पंडित वाद मुर्दाबाद कहते हुए, हालांकि इन्होंने इस पर क्षमा भी मांगी, खेद भी जताया, लेकिन उसका असर अब कई जगह देखने को मिल रहा है। मेरठ की किशोर सीट हो या शहर सीट हो, यहाँ पर जो पंडित है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी भाजपा के पंडित है, कांग्रेस से भी पंडित है, तो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि शहर सीट के या फिर किशोर सीट के जो पंडित है वो कांग्रेस पर या गठबंधन पर ट्रांसफर हो जाए। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम चीजें तमाम बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी को पहले फायदा मिलता था, लेकिन अब नुकसान होने की बात कही जा रही है। भले ही तमाम तरह के पोलराइजेशन की बात की जाए, लेकिन इस बार गठबंधन का जो देखा जा रहा है कि मेरठ में भी 7 सीटों पर 4 सीट ऐसी हैं जिन पर गठबंधन हावी है, और बाकी 3 सीटों को हो सकता है उन पर भी फाइट है, हो सकता है उनमें से भाजपा निकाल ले, लेकिन कैंट सीट को छोड़कर 6 की 6 सीटों पर फाइट मानी जा रही है। जी चलिए ठीक है, आप तीनों को बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जहां जहां पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं वहां वहां के हालात बताने के लिए, कितने प्रतिशत वोट हुआ है ये हमें बताने के लिए। तो वैसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर चुनावी कवरेज जो है लगातार बरकरार है, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर एक बार लौटेंगे और आपको बताएंगे कि फिलहाल जो पहले चरण का मतदान है वो किस तरह से आज हो रहा है और आम जनता के सामने अब किस तरह की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है।